बापू रेडी है? हाँ चलो रेडी। आई थिंक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और ये ऑप्शन सिमुलेटर है, मतलब ये बैक टेस्ट करने के लिए किसी भी दिन का आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मतलब ये हम लोग ये किए हुए हैं, ठीक है। पहले एक बार समरी कर लेते हैं कि हमारा सेटअप के बारे में, उसके बाद फिर से दोबारा मतलब ये ताकि इजीली रहेगा। ओके, तो हमारा ये मैजिक की स्ट्रेटेजी सिंपल सा है कि वॉचलिस्ट बनाना है आपको, ये 325 को डेली बनाना है, ठीक है। ये मैक डेली वॉचलिस्ट बनाना है, ओके। डेली एक सीपी मतलब एक वॉचलिस्ट बनाना है, और जिसका प्रीमियम रेंज कितना होना चाहिए आपका, ये 150 to 190। ये थोड़ा सा ये प्रो टिप्स है कि जितना दोनों सेम होगा, जैसे मान के चलिए एक 170 है और एक दोनों दूसरा भी आपका 170 के आसपास है, मतलब 175 172, ऐसा जितना भी नियरेस्ट दोनों सेम रहेगा ना, उतना बेस्ट काम करेगा। और ये रेयर केस में वो आपका स्टॉप लॉस मतलब ये आपका ये हिट होगा, मतलब दोनों प्रीमियम यदि मान के चलिए दोनों 150 150 या एक 150 एक 155 एक 160 एक 165, ऐसा ये जितना ज्यादा कम डिफरेंट रहेगा ना दोनों में, वो उतना मतलब ये बेस्ट होगा, ठीक है। इन फर्स्ट हाफ में क्या करते हैं, ट्रेड विद स्मॉल क्वांटिटी, मतलब आपके पास यदि 1 लाख है तो 1 से 2 लोट से करो, एंड बाय ओनली अबव 1 215 फॉर टारगेट फॉर 240 टारगेट, ठीक है। कंडीशन यही है कि जो हम लोग वॉचलिस्ट बनाते हैं, ठीक है, ये मॉर्निंग ये 3 PM को मतलब 325 को, ठीक है, मार्केट क्लोज होने से पहले, या आप वॉचलिस्ट ये आप मार्केट क्लोज होने के बाद ही बना सकते हैं, ज्यादा डिफरेंट रहता नहीं है, है ना। तो या तो आपको, और यदि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो सुबह आप ये मार्केट 8 बजे मतलब 8 बजे आप मॉर्निंग में बना लो वॉचलिस्ट, है ना, मतलब कहने मतलब आप मार्केट खुलने के आसपास में या क्लोज होने के से पहले या क्लोज होने के बाद बना लो, चलेगा, ठीक। ज्यादा डिफरेंट मतलब आता नहीं, ऑलमोस्ट मतलब सेम रहता है। तो अभी के हिसाब से देखिएगा, तो अभी के हिसाब से हमारा जो ये वॉचलिस्ट है, कहाँ गया ये, हाँ तो एक आपका ये 181 है, ठीक है, और दूसरा 187, तो ये बेस्ट होगा। और हमारा उसमें कंडीशन क्या था कि 150 से पहले से कम नहीं होना चाहिए और 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस बार का ये वॉचलिस्ट क्या है, 19,450 P, ओके, एंड 19,000 आपका 150 C, ठीक है, ये वॉचलिस्ट होगी। मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम है, देखिए एक 181 हुआ, एक दूसरा क्या है 187 है। तो मैं यही समझा रहा था कि ये जितना ये नीरेस्ट रहेगा ना, जितना कम डिफरेंट रहेगा उतना मतलब ये बेस्ट होगा, ओके। और फर्स्ट हाफ में क्या करना है, मार्केट मान के चलिए ऑलरेडी गैप अप या गैप डाउन, जैसे फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ था थोड़ा डाउन ओपन हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार 215 आया और 215 से नीचे आया ही नहीं मॉर्निंग में, अब मॉर्निंग में ट्रेड दिया। यदि आप वीडियो देखे होंगे इसमें, तो इसमें मैंने ध्यान से आप यदि वीडियो देखे होंगे तो मैंने क्या बोला है कि हम लोग यदि फर्स्ट डे यदि मान के चलिए आप 130 के बाद यदि हम ट्रेड लिए हैं, मतलब 215 के ऊपर था ये कंडीशन, तो फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन यही है। और ये हम लोग यस्टरडे का ही मतलब वॉचलिस्ट जो बनाते हैं वो, ठीक है, उसके ऊपर है, हम लोग बाय किए और बाय चांस टारगेट नहीं आया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे एनी हाउ मतलब हम लोग को टारगेट ये देता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, जैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जैसे आप फ्राइडे का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, वो गया आपका 180, उसके बाद फिर से 232 234 मतलब ऑलमोस्ट टारगेट चला गया, तो नेक्स्ट डे मतलब एनी हाउ टारगेट हम लोग को दे देता है। तो यदि आप ये पोजिशन साइजिंग ये फॉलो कीजिएगा, यदि आपके पास 50,000 है तो आप केवल 20,000 यूज कीजिएगा, तो एवरी वीक आप प्रॉफिट में रहिएगा, एवरी वीक आप प्रॉफिट में रहिएगा, तो आपको लॉस नहीं होगा। 1 लाख रुपया है तो आप 20,000 रुपया यूज यूज करो, मतलब 40% कैपिटल आपको यूज करना है। और ट्यूजडे क्या होता है ना, मोस्टली ट्रेंड आपका क्या होता है, चेंज होता है, जो भी वीकली ट्रेंड जो होता है ना, तो वहां पे आप इसको छोड़ सकते हो,
या आपको करना है तो एक से दो लोड से आप कर सकते हैं। मोस्टली ट्यूजडे का जो ट्रेंड होता है वो आपका ये चेंज हो जाता है। यदि टारगेट आपका, आपने यदि बाई किया है 130 के बाद और वो टारगेट नहीं दिया है तो नेक्स्ट डे मतलब ये श्योर देता है। ओके, यही है। अभी हम लोग देखते हैं इसका, ये रिसेंटली इस मंथ का देखते हैं कि मतलब क्या क्या कैसे कैसे काम किया है। ठीक है, तो जुलाई मंथ का हम लोग देख रहे हैं। जुलाई मंथ में मतलब हम लोग को ये ऑलरेडी मार्केट गैप अप गैप डाउन खुला होगा तो ये ट्रेड मतलब दिया नहीं होगा, या तो कोई छुट्टी होगा। और 4 जुलाई को क्या है मतलब 19200 ट्रिगर हुआ। ठीक है, और फर्स्ट हाफ में टारगेट नहीं दिया, फर्स्ट हाफ में मतलब टारगेट नहीं दिया। ठीक है, और सेकंड हाफ में दिया, मतलब फर्स्ट हाफ में ये आपका हुआ ही नहीं, सेकंड हाफ में ही आपका ये टारगेट दिया। 5 जुलाई में भी आपका ये सेकंड हाफ में ही मतलब दिया। ठीक है, और ये आपका 6 जुलाई को क्या हुआ, एक में टारगेट दिया, एक में स्टॉप लॉस, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर हुआ मतलब वो दिन बड़ा मूवमेंट हुआ होगा, तो कहने मतलब आपको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। 7 जुलाई को भी मतलब ये टारगेट दिया। ठीक है, 2 बार टारगेट दिया, मतलब मॉर्निंग में भी दिया, यहाँ पे देखिए ये बिफोर 130 एंड आफ्टर 130, मॉर्निंग में भी दिया और आफ्टरनून में भी दिया। ठीक है, 11 जुलाई को दिया टारगेट। ठीक है, और वहां पे फिर और जो मॉर्निंग में दिया ट्रेड और सेकंड हाफ में जो ट्रेड हुआ वो आपका नेक्स्ट डे दिया टारगेट, है ना। और फिर 12 जुलाई को आपका मॉर्निंग में दिया, 2 बार दिया टारगेट। ठीक है, 2 बार मतलब 2 बार टारगेट दिया, एक आपका स्टॉप लॉस हो, मतलब इसमें ही प्रॉफिट हो, मतलब अभी तक आपका कोई भी दिन आपका लॉस नहीं हुआ। ठीक है, 13 जुलाई को आप देखिएगा तो फर्स्ट हाफ में नहीं दिया प्रॉफिट, सेकंड हाफ में मतलब टारगेट दिया लेकिन नेक्स्ट डे दिया, मतलब नेक्स्ट डे मतलब एनी हो मतलब टारगेट दे ही रहा है। 14 जुलाई को भी मतलब ये हुआ आपका 19300 ट्रिगर हुआ। ठीक है, और आपका ये टारगेट दिया मतलब फर्स्ट हाफ में टारगेट दिया। ओके, और ये 17 जुलाई का भी यही है कि मतलब आपका ट्रिगर हुआ। ठीक है, मॉर्निंग में भी और ये आपका आफ्टरनून में और दोनों में टारगेट दिया। ठीक है, और ये भी मतलब ये टारगेट दिया। ठीक है, और ये भी 20 जुलाई को एक टारगेट दिया, एक आपका स्टॉप लॉस हिट, मतलब ओवरऑल आपको नो लॉस हो। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि टोटल ट्रेडिंग डेज आपका 21 डेज रहा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हाफ में 18 ट्रेड ट्रिगर हुआ। ठीक है, जिसमें से 13 टारगेट दिया, 5 आपका स्टॉप लॉस हुआ। इसलिए मैंने ये मना किया है कि आपका फर्स्ट हाफ में आप ट्रेडिंग कीजिएगा तो आपका एक्यूरेसी आपका कम हो जाएगा, मतलब जो होता है ना कॉन्फिडेंस से, मतलब उम्मीद से चलो आज ट्रेडिंग करते हैं, कुछ काम है, 1 लाख रुपया चलो 10,000 कमा लेते हैं, तो वो आपका वहाँ पे कभी कभी आपका मूड खराब हो सकता है, वहाँ पे ये स्ट्रेटेजी आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ आप सेकंड हाफ तक वेट करते हैं, यदि इतना साइकोलॉजी को आप ये डेवलप करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको लॉस नहीं हो। ठीक है, तो यदि ये आप करते हैं सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ में आपका एक भी आपका ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, एक भी आपका ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और सेकंड हाफ में कंडीशन यही है कि यदि टारगेट नहीं दिया है फर्स्ट हाफ में और यदि सेकंड हाफ में आप ट्रेड लिए हैं, ठीक है, और टारगेट नहीं दिया है तो उसको कैरी करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी पोजिशन साइजिंग फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये टेंशन नहीं होगा। मतलब आपके पास 50,000 है तो आप ओनली 20,000 यूज कर रहे हैं, मतलब 20,000 यूज कर रहे हैं तो एक से दो लोट आप मतलब आपका आ रहा है, मतलब 215 रुपये मान के चलो कि ये 21,000 आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा टेंशन होगा नहीं, क्योंकि ये आपका है कि एक दिन भी आपका ये लॉस नहीं दे रहा सेकंड हाफ में। लेकिन सेकंड हाफ में यही कि आपको पूरा दिन भर आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा बनाइएगा। ये तो आपको हो गया जुलाई का, और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि और भी मंथ का। ठीक है, और अभी आपके सामने में भी थोड़ा सा बैकटेस्ट करके दिखा दूंगा ताकि और आपको ये कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा। ठीक है, हाँ ये आपका देखो ये जुलाई का है, जून का है। ठीक है, और जून में भी मतलब ये जितना भी सेकंड हाफ में आप देखिएगा, सेकंड हाफ में केवल ओनली एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो भी 2 से 3 पॉइंट के लिए, मतलब आपका ये प्रॉफिट ही दिया है। ठीक है, और फर्स्ट हाफ में वही है कि आपका 1 से 2 आपका स्टॉप, फर्स्ट हाफ में आपका ये 13 ट्रेड ट्रिगर हुआ और आपका ये 10 ट्रेड आपका ये प्रॉफिट हुआ, मतलब टोटल 20
वन डेज मतलब होता है ट्रेडिंग सेशन, जिसमें से 13 हुआ, लेकिन 13 में आपका ये भी सही है, मस्त है, ठीक है। लेकिन आपको ये चाहिए नहीं, आप स्टूडेंट है या आप प्राइवेट जॉब करें या कुछ भी करें, ठीक है, तो आपको ये चाहिए कि आपको मार्केट इससे मैजिक हिट, जिससे आपको ये प्रॉफिट ही केवल हो, तो आपको बस सेकेंड हाफ में ही ट्रेडिंग करना है, ठीक है। और सेकेंड हाफ में मतलब आपको कोई भी वीक आपको निराश नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी वीक मतलब आपको ये निराश नहीं करेगा, और ये आपको ये प्रॉफिट देगा ही देगा। अब मोस्टली आप देख रहे होंगे ये जितना भी सेकंड हाफ में जो ट्रेड ट्रिगर हुआ है ना आप